राजीव गांधी जन चिकित्सालय की लापरवाही फिर आई सामने। फ्रैक्चर के मरीज को इंजेक्शन लगाकर भेजा घर। असहनीय दर्द समाप्त नहीं होने पर युवक ने प्राइवेट हॉस्पिटल में कराया एक्सरे। प्राइवेट लैब एक्सरे में निकले दो फ्रैक्चर, जिम्मेदार कौन? जी हां, स्थानीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय लापरवाही का केंद्र बिंदु बन गया है। अभी जिंदा नवजात को मृत बताकर दफनाने के लिए परिजनों को सुपुर्द करने का मामला 7 दिन भी नहीं हुए कि फिर एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जिसमें एक युवक ने इंडिया खबर लाइव के संवाददाता को सूचना दी कि स्थानीय राजीव गांधी जन चिकित्सालय में गत दिवस वार्ड नंबर 3 निवासी भगवान दुबे के पैर में फ्रैक्चर होने के बाद अस्पताल प्रबंधन द्वारा केवल एक इंजेक्शन लगाकर और कुछ दवाइयां देकर घर भेज दिया गया। जब युवक के पैर में असहनीय दर्द समाप्त नहीं हुआ, तब युवक ने एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर चिकित्सा कराई और प्राइवेट डॉक्टर द्वारा किए गए एक्सरे में पाया कि पैर में 2 जगह फ्रैक्चर है। जब जाकर युवक का इलाज प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रारंभ हुआ। गंज वासौदा के सरकारी अस्पताल में लापरवाही का आलम यह है कि हर दूसरे दिन कोई ना कोई बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। यहाँ कोई बड़े अधिकारी का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, ना ही कभी कोई ऐसी जांच होती है जिसमें किसी दोषी डॉक्टर पर कार्रवाई हो। अब देखना यह है कि जिले के आला अधिकारी अब क्या कार्रवाई करते हैं, जबकि विगत सप्ताह हुई लापरवाही की कार्रवाई अभी लंबित है। मध्य प्रदेश गंज वासौदा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका, क्या मामला है बताएं? जी क्या हुआ? मेरे पैर में फ्रैक्चर है। क्या है में? वो फ्रैक्चर हो गया था मेरा पैर में, सरकारी हॉस्पिटल गया, उधर उन्होंने देखा तो ऐसे ही और उन्होंने इंजेक्शन लगा के कह दिया सुबह आना। सुबह उन्होंने एक्सरे निकाला और वो बोलने लगे कि कुछ नहीं है। फिर उन्होंने सोचा एक बार प्राइवेट दिखा लें, तो उन्होंने बोला कि फ्रैक्चर आया। अच्छा,